मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आप सबका टेक्निकल थर्सडे पर, जहां पर हम हर थर्सडे टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई कुछ चीजों को समझते हैं। और आज जिस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे वो है चार्ट टाइम फ्रेम, यानी कि जब कभी भी आप कोई स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के लिए देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या डिसाइड करते हैं, मैं वन डे का चार्ट ओपन करूंगा 5 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा या इससे भी ज्यादा। तो जब कभी भी मैं किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का सेशन लेता हूं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 5 मिनट बहुत जल्दी हो जाता है, कई लोग कहते हैं सर मैं तो वन डे देखकर इंट्राडे करता हूं। सारी बातों से आज मैं पर्दा उठाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम होता है जो आपको हेल्प करेगा सही ट्रेड लेने पे। तो आज के वीडियो में आपको सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। देखिए आप कभी भी जब बात करते हो चार्ट्स की तो सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करते हो, आप सबसे पहले सिलेक्ट करते हो कि मैं किस दिन में इसको देखूंगा। तो देखिए यहां पर है डे टाइम फ्रेम, आपने सिलेक्ट क्या करके रखा है हुआ है, डे टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब आपको चार्ट्स यहां पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर मैं सेम इंस्ट्रूमेंट को एक हफ्ते में देखूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, अलग हो जाएंगे पैटर्न्स। जब आप 1 आवर में देखोगे तो पैटर्न्स अलग हो जाएंगे, और जब आप इसे 5 मिनट या 15 मिनट में आप देखोगे तो भी पैटर्न्स आपको अलग मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से सही टाइम फ्रेम कौन सा है, आप कौन से टाइम फ्रेम को यूज करना चाहोगे। अब लोग कहते हैं कि अगर आपने इंट्राडे करना है तो आपको क्या करना है, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हाफ एन आवर 1 आवर आप कुछ भी देख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। लेकिन आपको बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हुए मिलेंगे कि नहीं आपको 5 मिनट या 15 मिनट एक टाइम फ्रेम पे वो बहुत जोर देते हैं। अब कोई आपको कहेगा नहीं नहीं ये जो इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है इसमें नॉइज ज्यादा होती है, तो नॉइज को कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप डे टाइम फ्रेम पे आओगे। अब डे टाइम फ्रेम से भी कम नॉइज आपको कहां पे मिलेगी, वीक में मिलेगी, और वीक से भी कम नॉइज आपको कहां पे मिलेगी, आपको मंथली में मिलेगी। तो अब आप एक बात बताइए, ऐसे करते करते तो मैं 5 साल का चार्ट देखना स्टार्ट कर देता हूं। तो समझने की कोशिश कीजिए कोई एक टाइम फ्रेम सही और गलत नहीं होता है, आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा आपके हिसाब से। अब आप ये कहोगे कि अभिषेक मैं ये कैसे करूं, मुझे चार्ट देखना आता है बट टाइम फ्रेम कैसे चूज करूं। तो उसके लिए एक तरीका होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक बार आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं कि अगर आपने डे टाइम फ्रेम चूज किया तो क्या होगा। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आपको यहां पर दिखेगा कि निफ्टी 18800 में ट्रेड कर रहा है। अब ये RSI के हिसाब से ओवरबॉट में चल रहा है, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो चार्ट्स पूरे के पूरे ऊपर गए हैं यहां पर आपको एक चार्ट पैटर्न डेवलप करता हुआ मिलेगा जिसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो जब आप यहां पर देखोगे कि एक इवनिंग स्टार बन रहा है तो आपको लगेगा मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए, ये ऐसा करके आपको बताया जाता है। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो मैं यहाँ पे सेल कर देता और रेट्स नीचे आ जाते, आप कुछ इस तरीके से सोचते हो। बट आप मुझे एक बात बताओ, क्या मार्केट 29 नवंबर को क्या मार्केट ओवरबॉट नहीं है? जी हाँ है। तो आपकी नजर निफ्टी पे यहीं से पढ़नी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो अगर हमने 29th को निफ्टी पे ध्यान लगाया, उसके बाद में 30th नवंबर यानी दूसरा दिन, उसके बाद में आपने देखा एक गैप अप हुआ लेकिन मार्केट वहां से नीचे आ गया यानी कि तीसरा दिन, उसके बाद में आप देखिए चौथे दिन आपके पास में कंफर्मेशन आ रही है। तो आप याद रखिए आपको ट्रेड लेने के पहले 4 दिन वेट करना पड़ा, 4 दिन आपने सिर्फ पैटर्न को डेवलप होते हुए देखा कि मैं क्या ट्रेड ले सकता हूं।
अब आप एक चीज को देखिए कि जब आपने यहां पर एक ट्रेड ली, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगे मार्केट को आपको रिटर्न देने में। तो आप एक चीज सोचिए, मार्केट ने 4 दिन ट्रेड को डेवलप होने में लगाया और 10-12 दिन लगाए आपको रिटर्न देने में। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा टाइम स्पैन है, ये टाइम स्पैन आ रहा है कम से कम 14-15 दिन का। अब आपको लगेगा ये तो मैं डे टाइम फ्रेम देख रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं जो कि होता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो चलिए एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर निफ्टी ही है, मैंने एसेट को चेंज नहीं किया है। अब आप देखिए निफ्टी 5 मिनट के चार्ट में गैप डाउन ओपन होता है 15 फरवरी को। मार्केट बॉलिंगर बैंड के बाहर है, मार्केट फिर भी बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, लेकिन आपकी नजर तो 9:15 से बनी हुई है। आपकी नजर तो 9:15 से ही बनी हुई है। और मैंने आपको जो पिछला टेक्निकल थर्सडे था उसमें एक मैंने आपको इजी बॉलिंगर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई थी, यहां पर वही यूज हो रही है। लेकिन बॉलिंगर बैंड के बाहर जब चला जाता है तो मैंने आपको जो बताया है वो ये बताया है कि आपको तैयारी रखनी है रिवर्सल के लिए। कब होगा हमको नहीं पता। अब आप देखो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, 5 कैंडल लगी आपको सिर्फ वॉच करने के लिए। उसके बाद में आप देखिए 6 कैंडल, अगर आपने यहां पर बाई किया या यहां पर बाई किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 कैंडल लगी डेवलप होने में। तो 5 कैंडल लगी ट्रेड बनने में, 1 से 2 कैंडल लगी कंफर्मेशन होने में और 5 से 7 कैंडल लगी आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होने में। तो अब आप एक चीज देखिए, लोग सोचते हैं कि अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा हूं कोई भी चार्ट तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे हर 5 मिनट में मेरी ट्रेड होगी। तो आपको समझ ही नहीं आता है कि ये 5 मिनट के कैंडल में 5-5 मिनट में क्या ट्रेड्स होगी। तो आप कंफ्यूज रहते हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बता रहा हूं कि 5 मिनट की कैंडल हो चाहे 1 आवर की कैंडल हो, ट्रेड को डेवलप होने में 3 से 5 कैंडल लगती हैं, 1 से 2 कैंडल आपको कंफर्मेशन के लिए लगती है और उसके बाद आपको 4 से 5 कैंडल लगेगी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इन ऑल अगर आप देखोगे तो 10 से 12 कैंडल होती है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक आइडिया देने के लिए इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको करके दिखा रहा हूं कि कितना टाइम लगेगा। तो चलिए आ जाते हैं व्हाइट स्क्रीन पर। अब देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, सपोज मैं आपको कम करके दिखा रहा हूं, 3 कैंडल लगती हैं। उसके बाद में सपोज यहां पर आपको एक हैमर बनता हुआ मिलता है, उसके बाद में आप देखते हो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल, 4 कैंडल में आपका यहाँ पर टारगेट अचीव होता है। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई थी, आपने वॉच यहां से करना स्टार्ट किया था। तो अब आप देखिए टोटल आपको कितनी कैंडल्स लगी, टोटल आप देख सकते हो आपको तकरीबन तकरीबन 8 लगी। अब मेरा कहना है, मैंने आपको पहले ही कहा है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिस्काउंट करके बता रहा हूं, तो ये 8 से 12 कैंडल के बीच में कहानी होती है। अब क्या मैंने यहाँ पे कोई कैंडल का टाइम फ्रेम बताया है आपको? नहीं, ये यूनिवर्सल है। चाहे आप 5 मिनट की यूज करो, चाहे आप 15 मिनट की यूज करो, या चाहे आप डेली यूज करो, एनी कैंडल आप लोगे, ट्रेड को डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। तो 8 से 12 कैंडल के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैंने अगर 15 मिनट की कैंडल यूज की, इनटू अगर मैं 8 कैंडल भी पकड़ता हूं तो मुझे मेरी ट्रेड अचीव करने पे
1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में लगेगा। कभी कभी आपकी ट्रेड बहुत जल्दी निकल जाएगी, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं, तो आप पूरे दिन में कितनी ट्रेड कर पाओगे? ऑन एन एवरेज 3 ट्रेड। लेकिन ये अगर आप 5 मिनट की कैंडल यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 मिनट की कैंडल यूज की और वो तुरंत तुरंत एग्जीक्यूट हो गई। वहां पर भी 8 कैंडल आपको पकड़ के चलनी है, तो आप देखोगे 40 मिनट से 1 आवर के बीच में आपको लगेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप 5 मिनट यूज कर रहे हो, तो आप 5 से 6 ट्रेड कर पाओगे। मैं साइमल्टेनियस ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, वन बाय वन, एक ट्रेड खत्म हुई फिर अगली ट्रेड। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप दिन में 5 6 ट्रेड करना चाहते हो या एकमात्र 2 से 3 ट्रेड करने में आपका इंटरेस्ट है। तो जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है, तो आप अपना टाइम फ्रेम खुद डिसाइड करते हो। आप मुझसे नहीं पूछोगे कि अभिषेक अब आप बताओ कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है। कोई अच्छा टाइम फ्रेम नहीं होता है। हर चीज में जो टारगेट और स्टॉप लॉस बनकर आएगा, वो एक प्रोपोर्शन में आएगा। 15 मिनट का टारगेट एंड स्टॉप लॉस 5 मिनट के टारगेट और स्टॉप लॉस के मुकाबले कहीं बड़ा होगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं डेली टाइम फ्रेम की, तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि अगर आपने डेली टाइम फ्रेम भी यूज किया, तो कैंडल तो 8 से 12 ही बननी है। तो 8 से 12 का मतलब क्या हुआ? 8 से 12 दिन में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा और 3 से 5 दिन में मेरी ट्रेड निकल जाएगी, तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको उसको 8 से 12 दिन देने पड़ेंगे। अब आप मंडे को बाय करके वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निकलना चाहते हो, तो आपके लिए टाइम फ्रेम होगा आवरली टाइम फ्रेम, क्योंकि ये भी तो 8 से 12 कैंडल ही बनाएगा। यानी आपकी ट्रेड 8 आवर्स टू 12 आवर्स में एग्जीक्यूट होगी। तो आप जब देखते हो कि आपका मन है कि मंडे को बाय करके मुझे वेडनेसडे को तक निकलना है, तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम होगा वो आवरली होगा, ना कि डेली। तो देखिए, मैंने आपको कोई भी एक टाइम फ्रेम नहीं बोला कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। मैंने आपको इस चीज पे जोर दिया है कि आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके लिए टाइम फ्रेम अच्छा है कि बुरा है। अब अनफॉर्चुनेटली ये चीज कभी भी कहीं नहीं सिखाई जाती। जब आप एक टेक्स्ट बुक भी निकालोगे या कोई आप पर्टिकुलर कोर्स करोगे, तो वहां पर जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका पूरा जोर एक ही चीज पे होता है कि देखिए इसके लिए ये यूज होता है और इसके लिए ये यूज होता है। अब आपको बोल दिया जाता है स्विंग के लिए आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे या आप स्विंग के लिए आवरली देखोगे, बट क्यों देखोगे ना? वो इस चीज का आपको जवाब देंगे ना, वो इस चीज को बताने में इंटरेस्टेड है। क्योंकि ध्यान रखिए, जब तक आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो, तब तक उनकी दुकान चलेगी। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो कोई भी ये नहीं चाहता। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली चीज, आप अगर कुछ भी ना सीखें, सबसे पहले इस चीज को आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। देखिए, आप इम्पोर्टेंट हो, आपकी कंफर्ट लेवल इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 5 मिनट में कंफर्टेबल हो, आप 5 मिनट में ट्रेड करोगे। 15 मिनट में कंफर्टेबल हो, आप 15 मिनट में ट्रेड करोगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपने टाइम फ्रेम डिसाइड करने में। हर थर्सडे को मैं कोई ना कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपके पास लाता रहूंगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर लीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आप ये चाहते हो कि हफ्ते में एक बार नहीं, मैं हफ्ते में 3 बार आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊं या ट्रेडिंग के बारे में बताऊं, तो कमेंट बॉक्स पर टी टाइप कीजिए। टी टाइप कीजिए, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट टेक्निकल ट्रेडिंग में ज्यादा है।